लोग आए और हम लोग नया सीजन पहले हम देखें, हम लोग प्रोमोस देखें, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। कैन वी प्ले द प्रोमोस? चलो भाई स्टिल। अरे ये कुछ छापते हो यार, बाद में ले, बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमने नए सीजन की शुरुआत की है इस कैंपेन से। इस कैंपेन में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो जो कर पाए। चूँकि बैठ जाइए ना लोग, बाद में मैं आपको आराम से फोटो दूंगा। चूँकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है, हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो एक्चुअल स्टेप्स हैं, जो एक्चुअल कदम हैं, वो या तो लोग ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं, या संस्थाएं लेती हैं, या सरकार, कई दफ़ा सरकार लेती है। तो जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बढ़ा है 890 से बढ़ के 940 आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब लाखों बच्चियों की जान बची है इन 2 सालों में। तो ये जो चीज़ें अब हुई हैं, ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ये लोगों के काम से हुई हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी वो सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी कभी वो लोग होते हैं, एनजीओज हैं। तो ये पूरा कैंपेन इन लोगों के बारे में है जिन्होंने, और इसका थॉट है मुमकिन है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। मैंने भी कहा है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं यार कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है सत्यमेव जयते का, जो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के बाद मुझे कन्फर्म हो गया कि मुमकिन है, चेंज मुमकिन है, और हमसे ही होगा क्योंकि हम चेंज वो देख रहे हैं। और ये तो मम्मी ने आपको 5-6 कहानियां दिखाई हैं, ऐसी हमारे पास 50-60 हैं, और ये हम ढूंढने नहीं निकले थे। चूंकि हमारा सीजन 1 खत्म हुआ था, हम सीजन 2 की प्रिपरेशन में जब रिसर्च के लिए निकले, तो लोगों को जब पता चलता है कि अरे ये तो सत्यमेव जयते की टीम है, तो वो बोलते हैं, जैसे नागपुर में अरे वो दुकान खुली है, वो तो वो मतलब हमको ऐसे पता चला कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमको पता चला कि ये चीज़ें हो रही हैं। हम ये ढूंढने नहीं निकले थे ये कहानियाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने जेनरिक मेडिसिन पूरे राज्य में हजारों दुकानें खोली हैं, तो पूरे जितने लोग हैं मध्य प्रदेश में, टेस्टिंग भी फ्री होती है, दवाएं भी मुफ्त में मिलती हैं लोगों को, तो ये बहुत बड़ी बात है, कितने लाखों लोगों को इससे फायदा होता है। तो हमें लगता है कि मुमकिन है, और इसी जज्बे से, इसी जज्बात से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए सीजन की तरफ। कैसे लगा? एक्चुअली ये तो 5-6 फिल्म है, आप मतलब मैं तो जो देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मैं बड़ा जज्बाती भी हूँ। हाँ या क्योंकि एक्चुअली दीज आर कॉमन पीपल, यू नो, जैसे नाजिया है, नाजिया एक लड़की है, उसका क्या, ना उसके पास कुछ पैसे ज़्यादा है, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना कुछ है, वो आगे आके एक लड़की की हेल्प करती है, कितनी बड़ी बात है। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग, आई थिंक मेरे लिए ये जो सफ़र रहा है सत्यमेव जयते का, बहुत इंकरेजिंग रहा है, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं एक नए सीज़न के साथ, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ, वो उसी जोश से, उसी जज्बात से, उसी मोहब्बत और प्यार से एक बार फिर जुड़ें। हमारे पास अलग अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और एक नए अंदाज में हमने शो भी, हमने कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अहम चेंज जो हमने इस शो में किया है वो ये है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते थे, लेकिन
अब हमने एक नई चीज जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है हमारे शो के साथ। तो अब लोग भी अपने विचार मुझको लाइव बता सकेंगे, फोन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो जैसे ही शो खत्म होता है उसके बाद मैं लाइव रहूंगा, एक घंटे के लिए लाइव रहूंगा। और मैं बंबई से लाइव नहीं रहूंगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह। और वहां से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा और वहां से मैं कनेक्टेड रहूंगा पूरे देश से। तो आप फोन कर सकते हैं, आपके ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, SMS को। तो ये मैं लोगों की बात सुन पाऊंगा, उनके विचार सुन पाऊंगा, उनके सवाल, उनके अनुभव, कुछ वो बांटना चाहें जो भी। तो मैं, मुझे ये एक मौका मिलेगा कि मैं लोगों की बातें, उनकी आवाज मैं सुन सकूं और देश भी सुन सके। तो ये एक बहुत खास नया एलिमेंट हमने इस दफा हमारे सीजन में जोड़ा है। चक्कर ये कि मुझे एक्चुअली, मैं जहाँ, जब से मैंने सत्यमेव जयते शुरू हुआ है, टीवी पे जब से आना शुरू हुआ है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे सिर्फ मुद्दों के बारे में बताते हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग जो है मुझे देख के उनको लगता है कि यार मैं इनसे ये कहूँ, इस मुद्दे पे रिसर्च हो सकता है, तो मुझे खुशी होती है। चक्कर ये कि हम टॉपिक रिवील नहीं करते, तो आज भी मैं टॉपिक नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे NGOs हमको लिखते हैं, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आके हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है, इसे उठाइए। तो हम उस उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना अगला सीजन प्लान करते हैं। लोगों की क्या भावनाएं हैं, लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या चाहते हैं, हम कौन सा टॉपिक पिकअप करें, ये सब चीज़ें हम मद्देनजर रखते हैं इससे पहले कि हम टॉपिक्स का सिलेक्शन करें। कभी-कभी निराश हो जाते हो कि मतलब they may be feeling that they are doing something which is very good, or it might be being very difficult from your side to pick up like few things, जैसे कोई मुद्दे को लेकर, ऐसे कहीं? देखिए सारे मुद्दे मुझे लगता है important है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो important नहीं है। और एक एक करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुद्दों को उठाएं। अमिर, आलोक here from OFM, आपके राइट। जी जी जी, मेरा सवाल है कि इस बार आपके साथ बॉलीवुड के और भी सितारे जुड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं, तो कितनी ये सच्चाई है उस मंच को वो लोग भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं? ये आप लोगों ने न्यूज कहीं आउट कर दी ना, आप लोगों ने? ये सर खबर आई थी अखबार। हाँ, ये आप लोगों की बदमाशी है। किसने आउट की थी? तो नाम बताओ मुझे। तो किसी अखबार में थी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कुछ हैं सितारे हैं इस दफा, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सितारे हैं, लेकिन चूंकि उनका उस मुद्दे के साथ जुड़ाव है, उनका एक योगदान है शो के अंदर, उनका एक खास योगदान है, तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफा कुछ एपिसोड्स में, उनका भी एक हिस्सा है। जी अमित सर, हम बताते नहीं ये सब चीजें, लेकिन जैसे आपने कहा, क्योंकि क्या है, हम लोग उसको, हम पब्लिसिटी के लिए ये नहीं कर रहे, आप समझ रहे हैं। तो जो भी हमारे शो में स्टार है उसकी एक वजह है वो क्यों वहाँ शो में है, प्रमोशन के लिए हम नहीं कर रहे। पर सेम टाइम जैसे कि आपने कहा कि लोगों के बहुत सारे चेंजेस आए, आपकी क्या क्या चेंजेस है? आपने देखा आप अभी बहुत इमोशनल हो गए थे। हाँ, एक्चुअली मेरा नजरिया काफी बदला है लोगों को देखने का, और एक तो मुझमें कई चेंजेस हुई हैं। एक तो मुझमें, मुझे लगता है एक पेशेंस, मैं पहले से पेशेंट था काफ़ी, और ज़्यादा पेशेंट हो गया हूँ मैं, और मैं जजमेंटल कम हो गया हूँ लोगों की तरफ मैंने, क्योंकि इतनी चीज़ें देखी हैं, इतनी गहराई में सच्चाइयों को देखा है अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, कि एक फिर आपको लगता है कि यार मैं इस आदमी को जज कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या मजबूरी है। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आई, तो एक मेच्योरिटी आई है मुझमें। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जज्बाती तौर पे काफ़ी मैं खूनम खून हो गया हूँ, क्योंकि खूनम खून मतलब काफ़ी इंजर्ड हो गया हूँ, नहीं इंजर्ड, हाँ,
क्योंकि क्या होता है कि हम शो पे तो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियाँ देखता हूँ। और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उस विषय को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, मुझे वो जानकारी पाना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक जो हमारा प्रीवियस एपिसोड में, प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला, तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और जिसको लोगों ने, जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं, मतलब मैं, मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। तो बहुत सारी चीजें देखी है मैंने जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से, वो में तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती। तो जब मैं कहता हूं कि इमोशनली काफी मुश्किल रहा है ये सफर मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी सच्चाइयों को देखना पड़ा बहुत नजदीक से, ऐसे लोगों के जज्बातों के नजदीक मैं आया जो एक तरह से अब्सॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है, उसके साथ फिर समझौता करना, उसको अब्सॉर्ब करना, उसको समझना, उसको गुस्सा आता है, आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फौरन इस बाकी शो छोड़ो, पहले ये प्रॉब्लम, इस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप वो करना चाहते हैं। तो इमोशनली ये बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफर, मुझे लगता है। अब आपके जब पहला सीजन चालू था शो के, जो नाम के लिए लेके बहुत सारी मतलब डिस्कशन थे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा बोलिए। शो का जब पहला सीजन चल रहा था, यू नो, जब उसका टाइटल था, अरे यार तुम लोग आंसू तो पोछ रहे हो।